शेख, हम जहाँ इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर वो जो पढ़ाते हमारे उस्ताद है ना, तो उनके अंदर बिदआत है थोड़े, तो जी क्या हम उनके पास इल्म हासिल करने के लिए जाए? वो जी लोग अहले हदीस ही है। क्या देखिए, इल्म ऐसे आदमी के पास हासिल करना चाहिए जो किताबो सुन्नत की तालीम दे। इल्म हासिल ही इसी मकसद से किया जाता है कि आदमी शिर्क से, बिदआत से, खुराफात से, इन चीजों से बचे। अब अगर इल्म देने वाला, तालीम देने वाला खुद बिदआत करता है, तो जाहिर है वो भी आपको भी बिदआत की तालीम देगा। तो जी ऐसे ऐसे लोगों के पास हरगिज हरगिज इल्म नहीं हासिल करना चाहिए जो किताबो सुन्नत को छोड़ करके बिदात की तालीम देते हैं। जी बिल्कुल, बल्कि आम बिदाती की सोहबत में रहने से ज्यादा खतरनाक ये है कि आपका मुअल्लिम बिदाती हो, क्योंकि आम आदमी से आप उतना मुतासिर नहीं होते हैं उतनी जल्दी जितना आप अपने उस्ताद और जी अपने मुअल्लिम से बात सही मुतासिर कही। होते हैं। इसलिए अगर मुअल्लिम के अंदर बिदात है, तो बिल्कुल भी ऐसे मुअल्लिम का इख्तियार नहीं करना चाहिए। जी जी सर, हम जहाँ रहते हैं शेख, वो मोहल्ले में पूरे लोग बिदअत शिर्क करते हैं, तो फिर हम इल्म हासिल करने के लिए कहाँ जाए ऐसा? देखिए, अगर किसी के पास दीन के बुनियादी और बेसिक मसाइल का इल्म हो जाए, तो आला तालीम, वो आला तालीम जिसमें बिदात की तालीम दी जाए, उससे बेहतर है कि आदमी के पास कम इल्म हो। दीन का जो बुनियादी इल्म है वो अगर हो जाए आपके पास, तो ये बेहतर है इससे कि आप आला तालीम में जा करके बिदात की तालीम लें। ठीक है? तो जी सर, हाँ, आप अगर कहीं पर कोई इंतजाम हो आला तालीम का, तो आप वहां जाएं, किताबो सुन्नत की सही तालीम दी जाती हो तो। वरना दीन का बुनियादी इल्म हो जाना ये काफी है आपके लिए, और ये कहीं ज्यादा इससे बेहतर है। आपका कम इल्म रह जाना इससे बेहतर है कि आपके पास जो इल्म आए वो जो है गलत हो। जी शेख, और वाजे एक बात और यहां जजाकल्लाह समझ जी। लें, आप भी और हमारे दीगर नाजरीन भी, कि जो इल्म है, दीन का इल्म है, उसका बेशतर हिस्सा जो है वो वसीला है। मकसद जो है असल, वो उस पर अमल करना है। तो अगर वो आपका जो इल्म है वही आपको बिदात सिखा रहा है, तो ऐसे इल्म का क्या फायदा? उससे बेहतर, यानी शिर्क और बिदात की तालीम लेने से तो बेहतर है कि आदमी के पास बहुत कम नॉलेज हो, कम इल्म हो, लेकिन शिर्क और बिदात ना हो।